खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSA न्यूज़। बतारीख 18 अक्टूबर बरोज़े चारशंबे को पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी की 4th एनिवर्सरी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बामुकाम सरूनगर ब्रांच इसमें मेहमान खसूसी के तौर पर साउथज़ोन DCP पी साई चैतन्या IPS ने तशरीफ़ फरमाई। DCP ने तमाम पाको मार्शल आर्ट के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब ने इस 4th एनिवर्सरी के मौके पर इस एकेडमी के लड़के और लड़कियां नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जीत कर आए हैं, इन्हें मेडल से नवाजा गया और यहां पर बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया। जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ के लड़के और लड़कियाँ हर कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए पाको मार्शल आर्ट्स का नाम रोशन करेंगे, इन्होंने मजीद बताया। इस मौके पर साउथज़ोन DCP के अलावा शी टीम सेल्फ डिफेंस के लक्ष्मी मैडम फरहा खान साहिबा, मुन्ना भाई जो के ब्लैक बेल्ट है, और अबू बकर साहब भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी का 4th एनिवर्सरी है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन लोग छोटा सा स्टार्ट करके इतने बड़ा आए और आगे तरक्की करे और बड़ा ब्रांचेस बहुत सारी जगह खोले, पूरा तेलंगाना में खोलने का मेरा इन लोग को मिसिंग से सभी को एक्चुअली यहाँ पे आए हूँ क्योंकि मैं भी एक थोड़ा मार्शल आर्ट पर इंटरेस्ट हूँ। तो इफ्तिखार को मेरे को पिछले साल से हम देख रहे हैं, जब से आए हूँ अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग बच्चों को तो अलग अलग जगह लेके जा रहा था, US पे, मलेशिया पे, सब जगह पे इन लोग ने बच्चों को लेके जाके वहाँ पे इन लोग का शागिर्द बहुत अच्छा मेडल्स भी जीत रहे हैं। सभी लोग को मुबारकबाद और इनको आगे भी कंटिन्यूसली इसका एफर्ट कंटिन्यू करने के लिए मैं इन लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। और अच्छे जैसे पहले बोला हूँ अलग अलग बहुत सारी जगह ब्रांचेस खोल के पूरा तेलंगाना पे मशहूर होना लिखा मेरा इन लोग मेरा ब्लेसिंग। थैंक यू। मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, ब्लैक बेल्ट 7 रिटर्न, इंटरनेशनल कोच, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी। आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी सरनगर ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है। हमारे बीच में मेहमान खसूसी DCP साउथ जोन साई चैतन्या सर भी आने वाले हैं और शी टीम के मैडम सेल्फ डिफेंस के लक्ष्मी मैडम भी हमारे बीच में हैं, फराह खान मैडम भी हमारे बीच में हैं और मुन्ना भाई जो कराटे के ब्लैक बेल्ट है वो भी हमारे बीच में है और अबू बकर भाई जमानी के डायरेक्टर है वो भी हमारे बीच में हैं। और आज ये एनिवर्सरी 4th एनिवर्सरी के मौके पर पाको के जो बच्चे अमेरिका में गोल्ड मेडल्स जीत कर आए, जो मलेशिया में, जो थाईलैंड में, जो जापान में, जो जहाँ जहाँ भी इंडिया से बाहर जाकर खेल कर आए बच्चे, उन बच्चों के बीच में मेडल्स तकसीम किए गए हैं और उनको हमारे पास से पाको की तरफ से जो है फेलिसिटेट किया गया है। और आज स्पेशली पेरेंट्स के लिए हमारे पास पेरेंट्स के लिए भी बेस्ट पेरेंट ऑफ द ईयर भी अवार्ड है हमारे पास, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके बच्चों को अमेरिका और बाहर के कंट्रीज़ में खिला रहे हैं, उन पेरेंट के लोग को मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। और ये बच्चे आज ये बच्चे पाको में खेल रहे हैं, कल उम्मीद है कि ओलंपिक में भी खेलेंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि आज ये बच्चों की जो मेहनत पेरेंट्स की तरफ से हो रही है और सेम इसी तरीके से ये बच्चों की मेहनत आगे भी अगर होती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि पाको का झंडा वर्ल्ड के हर कोने में गाड़ा जाएगा और हर कंट्री में पाको के बच्चे, हर कंपटीशन में पाको के बच्चे खेलेंगे और अपने वालदैन का नाम और अपनी कंट्री इंडिया का नाम और अपने स्टेट तेलंगाना का नाम और अपनी एकेडमी पाको मार्शल आर्ट एंड डिफेंस का नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सब तमाम का मीडिया वालों का भी ममनून और मशकूर हूँ जो आप हर वक्त हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, खुसूसन हैदर भाई जो हमारे जब भी हैदर भाई को मैं आवाज़ देता हूँ हमारे लिए लब्बाई करके आ जाते हैं। और आपकी तमाम मीडिया जिनके नाम मेरे को याद है, जिनके नाम याद नहीं है, सबका शुक्रगुजार हूँ। और नसीर भाई भी आज हमारे बीच में कई दिन के बाद नसीर भाई की भी नज़र आए, नसीर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपके सामने हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर से वो आपसे मुखातिब होंगे। बस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम लक्ष्मी साम्राज्यम।
founder of Rudram Devi Self Defense Academy. I am working with SHE teams and number of voluntary organizations who set a world Guinness record also in self defense. Nowadays we are self defense is most important for especially girls. They can improve self confidence by learning self defense techniques. They can increase our self confidence. That is most important. చూస్తున్నాం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ టీవీలో పేపర్లో లాట్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కానీ కిడ్నాప్స్ కానీ రేప్ అటెంప్ట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ తప్పించుకోవాలి అంటే ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్గా వాళ్ళని వాళ్ళే రక్షించుకోవడం కోసం ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. అలానే పాకో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ 4th యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్గా చేసుకున్నాం. ఇఫ్తాకర్ భాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్. హీఈస్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ వెరీ స్మార్ట్ వర్కర్ ఆల్సో. ఢిల్లీ ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆయన మలేషియా, దుబాయ్, యుఎస్ఏ అన్ని దేశాల్లో స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి ఛాంపియన్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ కూడా కొట్టించడం జరిగింది. ఆయన లాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా సాధించారు, చూసాము ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ షీల్డ్స్ కానీ మెడల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ మెడల్స్ సాధించాలి. ఇలాంటి అకాడమీ సరూర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలందరికీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది చాలా అవసరం. మా సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని ఇఫ్తాకర్కి మాటిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, అస్సలాము అలైకుమ్, నమస్కార్. మేరా నామ్ ఫరా ఖాన్ హై ఔర్ మే యహాన్ పే ఇట్స్ అన్ ఆనర్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాకో అకాడమీ. ఔర్ ఐ కాంగ్రాచులేట్ ఇఫ్తిఖార్ సాహబ్ బహుత్ బహుత్ ముబారక్ ఫార్ 4th అకాడమిక్ యానివర్సరీ. ఔర్ మే ఏక్ మెసేజ్ దేనా చాతీ హూ సభీ లడ్కియోం కో, ఔర్ మే యే భీ బోల్నా చాతీ హూ కి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ బహుత్ జరూరీ హై ఆజకల్. సభీ లడ్కియాం, సభీ లడ్కే, నాట్ ఓన్లీ గర్ల్స్ బాయ్స్ ఆల్సో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, సబ్కు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఆనా చాహియే. ఔర్ అప్నే ఆప్ కి హిఫాజత్ కర్నే కే లియే మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఔర్ మే ఉమీద్ కర్తీ హూ కి ఆప్కా అకాడమీ, పాకో అకాడమీ, దునియా కే హర్ షహర్ హర్ కోనే మే అప్నా నామ్ రోషన్ కరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ. Happy birthday to you.